हेलो फ्रेंड्स एंड मेडर्स डेंट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इस वीडियो में हम लोग यूरिनरी सिस्टम के 28 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो हमारे बी फॉर्म के सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है डॉक्टर महमताप सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उस पर आते हैं। एन ऑर्गन आर स्ट्रक्चर दैट इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इज दैट, इनमें से वो एक तरह से कौन सा ऑर्गन या स्ट्रक्चर है जो कि हमारे यूरिनरी सिस्टम का पार्ट या कंपोनेंट नहीं होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा यूरेथ्रा, दूसरा ऑप्शन है यूरिनरी ब्लैडर, तीसरा ऑप्शन है हमारा यूरेटर, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है हमारा एड्रेनल ग्लैंड और अंतिम ऑप्शन है किडनी। तो अगर हम अपने यूरिनरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है यूरेथ्रा, वो भी हमारे यूरिनरी सिस्टम का पार्ट होता है। जो हमारा होता है ब्लैडर या जिसको हम लोग कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, वो भी हमारे यूरिनरी सिस्टम का पार्ट होता है। अगर हम बात करते हैं अबाउट द यूरेटर, तो वो भी हमारे यूरिनरी सिस्टम का पार्ट होता है और जो हमारी किडनी है वो भी हमारे यूरिनरी सिस्टम का पार्ट होता है, जैसा कि आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा। तो यहां पे हमारा है करेक्ट आंसर दैट इज द डी, जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड होता है वो हमारे यूरिनरी सिस्टम का पार्ट या कंपोनेंट नहीं होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ किडनी एक्सेप्ट, इनमें से वो एक तरह से वो कौन सा फंक्शन है जो कि हमारे किडनी का फंक्शन नहीं होता है। तो यहां पे हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा वो रेगुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्लाज्मा, दूसरा ऑप्शन है हमारा वो रेगुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड, तीसरा ऑप्शन है हमारा वो रेगुलेटिंग द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, और अंतिम ऑप्शन है हमारा वो रेगुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द प्लाज्मा। तो अगर हम अपने किडनी के बारे में बात करते हैं तो वो हमारे ब्लड प्लाज्मा के वॉल्यूम को भी रेगुलेट करता है। वो हमारे जो एक तरह से ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को भी रेगुलेट करने का काम करता है और जो हमारे प्लाज्मा में आयंस वगैरह हैं उनकी भी कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने का काम करता है। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से वो कौन सा फंक्शन है जो कि हमारी किडनी परफॉर्म नहीं करती है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी, वो रेगुलेटिंग द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन हमारे किडनी का वर्क नहीं होता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द किडनी आर लोकेटेड एट द, जो हमारी किडनीज होती हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होती हैं, उनका प्लेस कहाँ पे होता है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा पोस्टीरियल एब्डोमिनल वॉल, दूसरा ऑप्शन है हमारा वेंट्रल थोरेसिस वॉल, तीसरा ऑप्शन है हमारा थोरेसिस वॉल और अंतिम ऑप्शन है हमारा वेंट्रल एब्डोमिनल वॉल। तो अगर हम अपने किडनी की लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के पास में हमारी किडनी लोकेटेड होती है। द किडनी आर लोकेटेड बिहाइंड द स्मूथ पेरिटोनियल लाइनिंग ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारी एक तरह से अपर पार्ट हमारे एब्डोमिनल कैविटी का होता है उसके ऊपर हमारी किडनी लोकेटेड होती है। तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द टू मेजर रीजन ऑफ द किडनी आर, जो हमारा एक तरह से किडनी होती है उसके दो वो कौन से मेजर रीजन होते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मेजर एंड माइनर कैलिक्स, दूसरा ऑप्शन है हमारा रीनल एंड नेफ्रेटिक पायरामिड्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा मेडुला एंड कॉर्टेक्स और अंतिम ऑप्शन है हमारा जेजुनम एंड ईलियम। तो अगर हम अपने एक तरह से किडनी के दो मेजर पार्ट के बारे में बात करते हैं, दो मेजर रीजन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी, जो हमारा होता है मेडुला और कॉर्टेक्स होता है, वो हमारे किडनी के दो मेन रीजन होते हैं। जो हमारी होती है किडनी उसको हम लोग दो प्रिंसिपल रीजन्स में डिवाइड करते हैं। जो हमारा इसमें होता है पहला रीजन वो क्या होता है, द पेरिफेरल रिम्स ऑफ द कॉर्टेक्स, और जो हमारा दूसरा रीजन है दैट इज द सेंट्रल
सेंट्रल मेडुला। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी मेडुला एंड कॉर्टेक्स, हमारे किडनी के दो मेन रीजन्स होते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द यूरिन फ्लो टू द यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम द किडनी बाय मींस ऑफ द, जो हमारा होता है यूरिन वो हमारे किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर किस चीज के थ्रू फ्लो करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला है हमारा यूरेथ्रा, दूसरा ऑप्शन है हमारा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी और अंतिम ऑप्शन है दैट इज द यूरेटर। तो इससे पहले भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर को देखा था, तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर में देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारी वो किडनी है उससे जो हमारी यूरिन है वो हमारे ब्लैडर के अंदर यूरेटर के थ्रू आती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी यूरेटर। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द किडनी स्ट्रक्चर इन विच द यूरिन इज फॉर्म्ड इज नोन एज, इनमें से वो हमारे किडनी का कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी यूरिन फॉर्म होती है, बनती है। ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा कैलेक्स, दूसरा ऑप्शन है नेफ्रॉन, तीसरा ऑप्शन है न्यूरॉन और अंतिम ऑप्शन है वो निफिड्रियम। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से कहाँ पे हमारी यूरिन फॉर्म होती है, हमारे किडनी के इनमें से किस स्ट्रक्चर में यूरिन फॉर्म होती है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं वहाँ पे हमारा जो एक तरह से फिल्ट्रेशन होता है वो हमें देखने को प्राप्त होता है और उसी प्लेस से हमारा यूरिन का फॉर्मेशन भी होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी नेफ्रॉन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द फ्लूड दैट इंटर द ग्लोमेरुलस, जो फ्लूड हमारे ग्लोमेरुलस में इंटर करता है वो फ्लूड क्या होता है, कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है सीरम, दूसरा ऑप्शन है ब्लड, तीसरा ऑप्शन है सी वाटर और अंतिम ऑप्शन है फ्रेश वाटर। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से वो कौन सा फ्लूड है जो हमारे ग्लोमेरुलस में इंटर करता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, जो हमारा होता है ब्लड प्लाज्मा होता है वो हमारे एक तरह से आर्टरी के थ्रू हमारे ग्लोमेरुलस में इंटर करता है, जहां पे उसका फिल्ट्रेशन हमें देखने को प्राप्त होता है और वहीं से यूरिन का फॉर्मेशन भी स्टार्ट होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द किडनी आर हेल्प इन, जो हमारी किडनी है वो हमें क्या करने में हेल्प करती है। ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है रेगुलेट ब्लड प्लाज्मा, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल ब्लड प्रेशर, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल पीएच और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम एक तरह से किडनी के बारे में बात करते हैं तो वो हमारे ब्लड वॉल्यूम को भी एक तरह से रेगुलेट करने में हमें हेल्प करता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और ये हमारे अंदर के पीएच को भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द यूरिनरी सिस्टम इज द प्रिंसिपल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो हमारा होता है यूरिनरी सिस्टम होता है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है हमारा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तीसरा ऑप्शन है हमारा एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजनस कंपाउंड, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है हमारा ए एंड बी, जो हमारा पांचवा ऑप्शन है दैट इज बी एंड सी और अंतिम ऑप्शन है हमारा ए बी एंड सी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए हैं। अगर हम अपने एक तरह से यूरिनरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो वो हमारे वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए एक तरह से यूज होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जो हमारे टॉक्सिक नाइट्रोजनस कंपाउंड है उनके एक्सक्रीशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ई बी एंड सी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ नेफ्रॉन एक्सटेंड इनटू द मेडुला, वो कौन सा पोर्शन है जो कि हमारे नेफ्रॉन से एक्सटेंड होके हमारे मेडुला के अंदर आता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा लूप ऑफ हैनले, दूसरा ऑप्शन है हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स और अंतिम ऑप्शन है पैपिलरी डक्ट। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से वो कौन सा एक्सटेंशन
होता है जो कि हमारे नेफ्रॉन से हमारे मेडुला के अंदर जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए लूप ऑफ हैनले जो हमारा होता है वो हमारे वो नेफ्रॉन से हमारे जो होता है मेडुला उसके अंदर इंटर करता है। ये एक तरह का काफी वो छोटा होता है और ये हमारे जो नेफ्रॉन है उससे एक्सटेंड होके हमारे मेडुला के अंदर जाता है और उसको हम लोग लूप ऑफ हैनले कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज द ए लूप ऑफ हैनले। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द यूरिन फ्लो थ्रू द किडनी टूवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। जो हमारी यूरिन होती है उनमें से या हम कह सकते हैं इसमें से वो कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है जिसके थ्रू हमारी यूरिन हमारे किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की ओर मूव करती है। ऑप्शंस देख लेते हैं, तो ये चार ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से जो हमारा करेक्ट सीक्वेंस है वो कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ई। जो हमारी एक तरह से किडनी में यूरिन फॉर्म होती है वो हमारे जो रीनल पैपलिया होते हैं जिनको हम लोग पैपलरी डक्ट भी कहते हैं उनके थ्रू वो मूव करती है। उसके बाद में वो आती है हमारे माइनर कैलिक्स में। उसके बाद में जो हमारी दो या तीन होती हैं माइनर वो कैलिक्स वो एक तरह से कवर करती हैं और वो फॉर्म करती हैं मेजर जो कैलिक्स को जिसमें हमारा यूरिन मूव करता है। उसके बाद वो इसके थ्रू पास होता है, फिर वो आता है हमारे रीनल पेल्विस में और उसके बाद में वो हमारे यूरेटर के थ्रू पास होके हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आता है। तो यहाँ पे हमारा जो है करेक्ट सीक्वेंस दैट इज द बी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन द प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज टेक प्लेस बाय। जो हमारा अमीनो एसिड होता है और जो हमारा ग्लूकोज होता है उसका जो रीअब्सॉर्प्शन होता है हमारे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में वो किस तरह से होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू, दूसरा ऑप्शन है हमारा डिफ्यूजन के थ्रू, तीसरा ऑप्शन है हमारा फैसिलेटेड डिफ्यूजन के थ्रू और अंतिम ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। जो हमारा अमीनो एसिड होता है ग्लूकोज होता है वो हमारे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के थ्रू रीअब्सॉर्ब होता है। उसमें 65% हमारा वाटर सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयंस वगैरह रहते हैं, 100% जो हमारा ग्लूकोज है अमीनो एसिड है वो वहाँ से रीअब्सॉर्ब हो जाता है और 85-90% हमारा वहाँ से बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब होता है और ये सब हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म के थ्रू यहां से रीअब्सॉर्ब होते हैं। जो हमारा होता है अमीनो एसिड और जो हमारा ग्लूकोज होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह यहां से रीअब्सॉर्ब होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द लूप ऑफ हैनले एग्जिस्ट बिटवीन। जो हमारा लूप ऑफ हैनले होता है वो किन दो चीजों के बीच में होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला है हमारा रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन्स, दूसरा ऑप्शन है हमारा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी एंड कलेक्टिंग डक्ट, तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स एंड डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स और अंतिम ऑप्शन है हमारा ग्लोमेरुलस एंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो हमारा लूप ऑफ हैनले होता है वो इनमें से किसके बीच में होता है, तो करेक्ट आंसर है दैट इज द सी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड जो हमारी ट्यूबुल्स होती हैं और जो हमारी डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स होती हैं उनके बीच में हमारा लूप ऑफ हैनले होता है। द लूप ऑफ हैनले इज द पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन दैट लीड फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स टू द डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। जो हमारा लूप ऑफ हैनले है ये हमारे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से स्टार्ट होता है और डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे आके ये एंड होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द लूप हैनले इज लाइंड विद। जो हमारा उसकी जो लाइनिंग होती है वो किस चीज़ की होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं, हमारा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, दूसरा ऑप्शन है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तीसरा ऑप्शन है सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम और अंतिम ऑप्शन है सिंपल क्यूबॉइडल विद ब्रश बॉर्डर। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा लूप ऑफ हैनले है उसकी लाइनिंग किस चीज की बनी हुई होती है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। जो हमारा होता है लूप ऑफ हैनले उसकी जो लाइनिंग है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट वो सराउंड द ईच किडनी इज दैट। इनमें से वो कौन सा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी हर किडनी को एक तरह से सराउंड करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं,
पहला ऑप्शन है हमारा कॉर्टेक्स, दूसरा ऑप्शन है मेडुला, तीसरा ऑप्शन है रीनल कैप्सूल और अंतिम ऑप्शन है रीनल पैरामिड्स। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर के बारे में बात करते हैं, इनमें से वो कौन सा है कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे दोनों किडनी को एक तरह से सराउंड करता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी, रीनल कैप्सूल जो हमारा होता है। ये हमारे ऐसे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि हमारे किडनी को सराउंड करते हैं और ये हमारे किडनी को प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, रीनल कैप्सूल। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द अपेक्स ऑफ द रीनल पिरामिड इज कॉल्ड, जो हमारा रीनल होता है पिरामिड उसका अपेक्स पार्ट क्या कहलाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मेजर कैलिक्स, दूसरा ऑप्शन है हमारा माइनर कैलिक्स, तीसरा ऑप्शन है रीनल पैपलिया और अंतिम ऑप्शन है रीनल पैल्विस। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा रीनल पिरामिड्स होता है उसका जो अपेक्स पार्ट है वो क्या कहलाता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द रीनल पैपलिया, जो हमारा एक तरह से बेस होता है हमारे रीनल पिरामिड का उसको हम लोग कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स और इसका जो अपेक्स होता है वो रीनल पैपलिया कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज द सी, रीनल पैपलिया इज द अपेक्स पोर्शन ऑफ द रीनल पिरामिड्स। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच इज फाउंड इन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द यूरिन, इनमें से वो कौन सा है जो कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन में हमारे यूरिन में पाया जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। यूरिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है यूरिया, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज और अंतिम ऑप्शन है क्रिएटिनिन। अगर हम बात करते हैं इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो कि हमारे यूरिन में हाईएस्ट कंसंट्रेशन में पाया जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द यूरिया बी, यूरिया हमारे यूरिन में हाईएस्ट कंसंट्रेशन में पाई जाती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द असेंडिंग लूप ऑफ हैनले इन द किडनी, जो हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हैनले होता है उसका जो हमारी किडनी में प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द सोडियम, दूसरा ऑप्शन है द एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द क्लोराइड आयन, तीसरा ऑप्शन है द पैसिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम और अंतिम ऑप्शन है द पैसिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूरिया। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द असेंडिंग लूप ऑफ हैनले की, जो हमारे किडनी में होता है उसका जो हमारा प्राइमरी फंक्शन है वो क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, द एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड आयन। तो जो हमारा होता है प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हैनले के बारे में, तो वो एक तरह से वाटर को रिकवर करने में भी हेल्प करता है और जो हमारा सोडियम क्लोराइड है उसको भी हमारे यूरिन से रिकवर करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारा होगा करेक्ट आंसर दैट इज द बी, द एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द क्लोराइड आयन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द मिडिल लेयर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज आइडेंटिफाइड एज, जो हमारा होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है उसकी जो बीच की लेयर है वो क्या कहलाती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। म्यूकस कोटेड, दूसरा ऑप्शन है सब म्यूकस कोटेड, तीसरा ऑप्शन है मस्कुलर कोटेड और अंतिम ऑप्शन है स्फिंक्टर कोटेस। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से जो हमारा होता है यूरिनरी ब्लैडर उसका मिडिल लेयर होती है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, जो हमारा होता है सब म्यूकस कोट वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर की मिडिल लेयर होती है। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर, इसमें जो हमारी पहली लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं म्यूकोसा लेयर, दूसरी जो हमारी लेयर है उसको हम लोग कहते हैं सब म्यूकोसा लेयर, उसके बाद में जो हमारी तीसरी लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं मस्कुलरिस लेयर और अंतिम लेयर को हम लोग कहते हैं सिरोसा। तो यहाँ पे हमारा एक तरह से करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, सब म्यूकोसल जो कोट होता है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर की मिडिल लेयर होती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द कैपिलरी लूप्स लोकेटेड इन द मेडुला आर आल्सो नोन एज, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा वासा रेक्टा, दूसरा ऑप्शन है हमारा यूरिया कलेक्टर, तीसरा ऑप्शन है हमारा ट्राइगोन्स और अंतिम ऑप्शन है हमारा मस्कुला डेंसा। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, वासा रेक्टा जो हमारी होती है हमारे वो मेडुला में जो होता है कैपिलरी लूप उसका दूसरा
नाम होता है। तो अगर हम बात करते हैं एक तरह से वासा रेक्टा की, तो ये हमारे स्ट्रेट आर्टियोल, स्ट्रेट वो वेन्यूल्स होते हैं हमारे किडनी के, और इस कंडीशन में जो हमारी होती है ब्लड की वो सप्लाई होती है हमारे वो किडनी के अंदर, वो हमारे स्ट्रेट आर्टियोल्स के थ्रू हमारा ब्लड हमारे किडनी के अंदर जाता है, और जो हमारे होते हैं स्ट्रेट जो है वेन्यूल्स होते हैं उसके थ्रू हमारा जो एक तरह से ब्लड है वो किडनी से बाहर आता है फिल्टर होने के बाद में। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। इनमें से वो एक तरह से कौन सा पार्ट है जो कि हमारे मेल यूरेथ्रा का पार्ट नहीं होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा प्रोस्टेटिक, दूसरा ऑप्शन है हमारा मेम्ब्रोनस, तीसरा ऑप्शन है हमारा वेसापोर्स, और अंतिम ऑप्शन है हमारा पेनिल। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से वो कौन सा पार्ट है जो हमारे मेल यूरेथ्रा का पार्ट नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द वेसापोर्स, हमारे मेल यूरेथ्रा का पार्ट नहीं होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन द ग्लूकोज इज फाउंड इन यूरिन इट इज कॉल्ड एज, जब हमारे यूरिन में ग्लूकोज हमें देखने को प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है हमारा ग्लूकोज यूरिया, दूसरा ऑप्शन है हमारा यूरिमिया, तीसरा ऑप्शन है यूरेटाइटिस, और अंतिम ऑप्शन है ग्लूकोज टॉलरेंस। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे यूरिन में ग्लूकोज फाउंड होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज यूरिया बोलते हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए ग्लूकोज यूरिया। तो ये कंडीशन हमें तब देखने को प्राप्त होती है जब हमारा जो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, उसके थ्रू जो हमारा ग्लूकोज है वो एक तरह से फिल्टर होके हमारे आता है यूरिन में आता है, और जो हमारी रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके थ्रू उसका प्रॉपर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में जो हमारी यूरिन है उसमें हमें ग्लूकोज देखने को प्राप्त होता है, और ये जो हमारी कंडीशन है इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज यूरिया कहते हैं। जो हमारे वो नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं इनमें इसकी जो वैल्यू होती है वो 25 mg पर डेसीलीटर के आसपास होती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द वन ऑफ द फंक्शन अकरिंग एट द डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स इन द किडनी, जो हमारा डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स होता है उसमें इनमें से कौन सा फंक्शन हमें देखने को प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है हमारा पैसिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, दूसरा ऑप्शन है हमारा पैसिव सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन, तीसरा ऑप्शन है हमारा लिमिटेड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और अंतिम ऑप्शन है नो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम। तो जो हमारे होते हैं डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पे इनमें से हमें कौन सा फंक्शन देखने को प्राप्त होता है, या वहाँ पे कौन सा इनमें से फंक्शन होता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी पैसिव सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन हमारे डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में हमें देखने को प्राप्त होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रोल ऑफ किडनी, इनमें से एक तरह से कौन सा है जो कि हमारे किडनी के रोल से एसोसिएटेड नहीं है या हमारे किडनी का रोल नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा रिलीज ऑफ इरिथ्रोपोएटिन जो कि एक हार्मोन होता है, रिलीज ऑफ रेनिन जो कि एक एंजाइम है, रिलीज ऑफ विटामिन ई, और अंतिम है एक्टिवेट विटामिन डी। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से वो कौन सा हमारे किडनी का रोल नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी रिलीज ऑफ विटामिन ई हमारे किडनी का रोल नहीं होता है या हमारे किडनी के रोल से एसोसिएटेड नहीं होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ईच किडनी कंटेनिंग अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच नेफ्रॉन्स, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 10 मिलियन, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1 मिलियन, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1 लाख, एंड अंतिम ऑप्शन है 10,000। तो अगर हम बात करते हैं कि जो जो हमारी होती है किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द 1 मिलियन। अप्रॉक्सीमेटली हमें 10 लाख के आसपास हमारे एक किडनी में नेफ्रॉन देखने को प्राप्त होते हैं, और ये हमारे जो किडनी होती है उसकी फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं। इसी प्लेस से हमें फॉर्मेशन देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी 1 मिलियन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ ए डायूरेटिक, इनमें से कौन सा हमारे डायूरेटिक का इफेक्ट है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा
हमारा डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, दूसरा ऑप्शन है हमारा इंक्रीज फ्लूड वॉल्यूम, तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन और अंतिम ऑप्शन है हमारा इंक्रीज क्लोराइड आयन रीएब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे हमारा होगा करेक्ट आंसर दैट इज द ए डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। यहाँ पे गलती से सी हो गया है, ये ए है। जो हमारे डायोटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारे बॉडी के अंदर एक्सेस फ्लूड होता है उसको वो बाहर निकालते हैं, जिसके कारण कि जो हमारा है हर्ट उसके ऊपर लोड कम पड़ता है और हमारा जो कार्डियक का आउटपुट है वो भी वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, हमारा हर्ट रिलैक्स हो जाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। द पिगमेंट दैट गिव द यूरिन इट्स येलो आर एम्बर कलर आर डेराइव्ड फ्रॉम, इनमें से एक तरह से कौन सा वो है पिगमेंट जो कि हमारे यूरिन को येलो या एम्बर कलर अपना प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं हमारे, पहला ऑप्शन है हमारा नर्व सेल, दूसरा ऑप्शन है प्लांट सेल, तीसरा ऑप्शन है बाइल एंड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स और अंतिम ऑप्शन है हमारा कीटोन बॉडीज। तो यहाँ पे हमारा है करेक्ट आंसर दैट इज द बाइल एंड हीमोग्लोबिन, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे यूरिन को येलो या एम्बर कलर प्रोवाइड करते हैं या इनके कारण हमारे यूरिन का येलो या एम्बर कलर हमें देखने को प्राप्त होता है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पे, 28। द टर्म मिक्चुरेशन रिफर्स टू, जो हमारा शब्द होता है मिक्चुरेशन इसका क्या मतलब होता है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा ए डिजीज ऑफ द किडनी, वो तीसरा ऑप्शन है हमारा द प्रोसेस ऑफ यूरिन एक्सपल्सन और अंतिम ऑप्शन है हमारा एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन द रीनल कैलिक्स। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द मिक्चुरेशन, तो ये एक हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हमारी जो यूरिन है उसका एक्सपल्सन हमें देखने को प्राप्त होता है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज द सी, द प्रोसेस ऑफ यूरिन एक्सपल्सन इज कॉल्ड द मिक्चुरेशन और इस प्रोसेस के थ्रू हमारी जो यूरिन है वो हमारे बॉडी से बाहर निकलती है। ओके फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो अगर आप उनको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो वो और स्टूडेंट को हेल्प करेगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।